गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। इनमें 6 नाम घोषित किए गए हैं। धोराजी से महेंद्र भाई पाडलिया, भावनगरपुर से सैजल पांड्या, खांबलिया से मूलू भाई बेरा को टिकट दिया गया है। पार्टी ने अब तक 166 कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी। राजीव गांधी हत्याकांड के तमाम 6 दोषियों को रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत सभी दोषियों की रिहाई का आदेश सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को इसी केस में दोषी पैरा रिविलन को रिहा करने का आदेश दिया था। नलिनी और रविचंद्रन दोनों 30 साल से ज्यादा का वक्त जेल में गुजार चुके। महाराष्ट्र के रायगढ़ में स्कूल की बस खाई में गिर गई, जिस हादसे में 2 स्टूडेंट्स और ड्राइवर समेत 7 लोग घायल हो गए। बस में कुल 32 लोग सवार थे। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तमिलनाडु के कई शहर पानी में डूब गए। मौसम विभाग ने यहां के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, यानी राज्य में भारी बारिश होने की संभावना है। चेन्नई समेत राज्य के 26 जिलों में अगले 2 दिन तक स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज के निर्देश पर मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार कर ली गई। हरियाणा पुलिस को होम मिनिस्टर विज ने गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए 4 महीने का टाइम दिया है। दिए गए समय में यदि पुलिस इस काम को पूरा नहीं कर पाएगी तो ये जिम्मेदारी स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंपी जाएगी। ABVP के कार्यकर्ताओं ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कार्यालय का घेराव कर दिया और वहां जमकर नारेबाजी हुई। इन सभी का आरोप है कि कॉलेज में अभी तक प्रवेश प्रक्रिया जारी है, लेकिन VC ने परीक्षा की तारीख 15 नवंबर घोषित कर दी है। विरोध को देखते हुए VC ने 15 तारीख को बढ़ाकर अब 30 तारीख कर दी। उसे 13 हत्याकांड का मुख्य शूटर और 15,000 रुपए का इनामिया अभियुक्त विक्रम को बदायूं पुलिस ने खेड़ा जलालपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। बागपत SP ऑफिस पहुंचे बुजुर्ग ने SP से भू माफियाओं की शिकायत करते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई। बुजुर्ग का आरोप है कि जमीन सस्ती दिलाने का लालच देकर भू माफियाओं ने उससे लाखों रुपए ठग लिए। पैसा वापस ना मिलने से परेशान पीड़ित बुजुर्ग ने न्याय की गुहार लगाई। बलिया के हल्दी थाना के नीरपुर गांव में दिया जलाने को लेकर ही 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक महिला की इस बीच जमकर पिटाई हुई। वीडियो और शिकायती पत्र को लेकर पीड़ित महिला ने SP से न्याय की गुहार लगाई। बैरसिया में देहात SP के नेतृत्व में पुलिस बल ने परेड और जनता दरबार का आयोजन किया। सलामी लेने पहुंची SP किरण लता ने पुलिस लाइन का भ्रमण किया और शास्त्र अभ्यास भी किया। उन्होंने पुलिस की समस्या भी सुनी और उनका निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। भिंड में चंबल जोन ADG ने SP कार्यालय में समीक्षा बैठक ली, जिस बैठक में उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को पेंडिंग अपराध के निराकरण, अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए। रामजगढ़ में स्वास्थ्य मितानीन कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की महिलाओं ने दशहरा मैदान में रैली निकाली। इस दौरान महिलाओं ने नाटक के माध्यम से समुदाय की समस्याएं दिखाई और उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को जानकारी दी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अनोखा अंदाज देखने को मिला। उन्होंने निरीक्षण के दौरान जीवाजीगंज में नाली में कचरा देख फावड़ा उठाकर सफाई की और गंदगी मिलने पर ZO को फटकार लगाई। साथ ही आनंदनगर जलभराव की स्थिति का पानी में उतरकर जायजा लिया। जबेरा बनवार पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया। जागरूकता कार्यक्रम में लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। नोटा थाना में क्षेत्रवासियों ने भी साप्ताहिक बाजार में नशा मुक्ति जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को नशे के नुकसान बताए।
जालौन में दबंगों का कहर जारी है। जोराखेड़ा गांव में दबंगों ने मिठाई की दुकान चलाने वाले धनी राम से शराब के लिए जबरदस्ती पैसे मांगे। मना करने पर दबंगों ने दुकानदार को डराया, धमकाया और उससे मारपीट की। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शिक्षा का स्तर सुधारने को लेकर कलेक्टर एक्शन मोड में है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर ने डीईओ के साथ ग्रामीण अंचल के स्कूलों का निरीक्षण किया। उन्होंने क्लास से गायब शिक्षकों की लिस्ट तैयार की और क्लास में बच्चों से बातचीत कर लापरवाह शिक्षकों की क्लास लगाई। कानपुर में 2011 के एक मामले में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई। उनको ये सजा वाणिज्य कर टीम के साथ मारपीट करने पर दी गई। विधायक वकीलों के साथ एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे और उसके बाद 8600 के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी गई। कानपुर के रामा विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह मनाया गया, जिसमें राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष ने 2019 से 2022 के पास विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को उपाधि दी और इनमें 45 शोधकर्ताओं को डॉक्टर्स ऑफ फिलोसफी की उपाधि मिली। खरगोन के निमरानी में डीजल के अवैध संग्रहण का मामला सामने आया। प्रशासनिक कार्रवाई में 4 स्थानों से करीब 5 करोड़ रुपए का 3 लाख लीटर डीजल बरामद हुआ। एबी रोड पर बायो डीजल पंप और नकली डीजल बनाने वाली फैक्ट्रियों का खुलासा हुआ। मौके से करीब 8 पेट्रोल डीजल के टैंकर भी जब्त हुए। उधमसिंह नगर के खटीमा में विधायक भुवन चंद्र कापड़ा का जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने एक निजी होटल में केक काटकर खुशी का इजहार किया और भारामल मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बयान आया है। मौलाना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ज्ञानवापी वजू खाने के स्टेटस क्यो को एक्सटेंड किया है, ये एक सराहनीय कदम। पारा कोतवाली के बुद्धेश्वर विकास महासभा और व्यापार सभा ने शांतिपूर्ण धरना दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि सब्जी विक्रेता दिनेश शुक्ला को बिना वजह पीटा गया। थाने में समर्थन के लिए पहुंचे उनके भांजे अरुण शुक्ला को भी लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा गया। लखनऊ के जानकीपुरम में सेंट एंटोनीज इंटरनेशनल इंटर कॉलेज में एनुअल स्पोर्ट्स मीट में छात्र छात्राओं ने खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा दिखाई। इस दौरान विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगियों का शुभारंभ मुख्य अतिथि स्कूल फादर विंसेंट पिंटो ने किया। मनेन्द्रगढ़ में अवैध शराब की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शराब तस्करों से अंग्रेजी शराब और एक कार जब्त की गई। एसपी ने अवैध शराब और नशीले पदार्थ की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। भिंड में मेगांव पुलिस ने अवैध शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा। पुलिस ने ट्रक चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया। ट्रक ग्वालियर से मेगांव होते हुए मुरैना जा रहा था। ट्रक में शराब की करीब 150 पेटियां भरी हुई थी। इनकी कुल कीमत 75 लाख रुपए बताई जा रही है। मिश्रोगंज में पीओएस सर्वर डाउन होने से खाद्यान्न वितरण में समस्या हो रही है, जिसे लेकर सरकारी उचित मूल्य दुकान संचालकों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पॉस बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम और आधार सत्यापन के बाद ही खाद्यान्न वितरण कराया जा सकता। मंदसौर के उत्कर्ष विद्यालय में दिव्यांगों के लिए मूल्यांकन शिविर लगाया गया। नोडल अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में कक्षा 1 से 12वीं तक के दिव्यांग छात्र छात्राओं को मूल्यांकन कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस दौरान जिला मुख्यालय से डॉक्टर भी मौजूद रहे। सीतापुर नोडल अधिकारी लखनऊ मंडल विशेष सचिव वी चंद्रकला ने
नए गल्ला मंडी धान केंद्र का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से धान खरीदी और किसानों के लिए किए जा रहे भुगतान की जानकारी ली और कलेक्टर सभागार में अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। टीकमगढ़ के जतारा नगर में लुटेरों का आतंक जारी है। घोषनगर में एक शिक्षक बैंक से 1 लाख रुपए निकालकर घर वापस लौट रहा था और इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उनका पीछा किया और मौका पाते ही रुपयों से भरा बैग पार कर दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब जांच कर रही है। टीकमगढ़ में लगातार महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए महिला कांग्रेस कमेटी ने सैकड़ों महिलाओं के साथ प्रदर्शन किया और एसपी को ज्ञापन सौंपा। अमरोहा पुलिस ने 9 नवंबर को हुई महिला की हत्या के मामले का खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गजरोला के चोपला मछली मंडी मोहल्ले में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव बंद कमरे से बरामद किया गया। बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते टला। दरअसल एक यात्री ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की और इस दौरान पैर फिसलने से वो ट्रेन में जा फंसा। प्लेटफॉर्म पर मौजूद शटमैन फंसे यात्री का हाथ पकड़कर 100 मीटर तक चलती ट्रेन के साथ दौड़ते रहे। भिंड पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने रेत माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी ने बीती रात सिटी कोतवाली में रेत से भरे 17 वाहन पकड़े जिसमें 15 डंपर और 2 ट्रैक्टर शामिल है। माइनिंग विभाग जब्त किए वाहनों की रॉयल्टी चेक कर रहा है जिसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में बीएचईएल के उपभोक्ता भंडार में आर्थिक अनियमितताओं की शिकायत के बाद सहकारिता विभाग ने कार्रवाई की। अध्यक्ष मनोज बुद्धि राजा पर आर्थिक अनियमितताओं के आरोप है। सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने पुलिस के साथ पिपलानी के उपभोक्ता भंडार कार्यालय पर दबिश दी लेकिन वहां कोई नहीं मिला। इसके बाद ये कार्रवाई। भोपाल में बीएचईएल की थ्रिफ्ट सोसाइटी का 13 नवंबर को मतदान होगा। इस चुनाव में 6 पैनल आमने सामने हैं। भेल का पारदर्शी पैनल चुनाव में 11 संचालक मंडलों के भविष्य को लेकर उतरा है। कमलेश नागपुरे के नेतृत्व में भेल पारदर्शी पैनल चुनाव लड़ रहा है। गाजीपुर की डीएम आरिका आखोरी ने शुक्रवार को अथरोलिया गांव में धान फसल की क्रॉप कटिंग की शुरुआत की। खुद हसीये से धान खाटकर उन्होंने इसकी शुरुआत की। इस दौरान राजस्व टीम के साथ कृषि विभाग के अधिकारी और संबंधित विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के गंगा घाट से वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया में जेट्टी का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लोकार्पण और शिलान्यास के दौरान बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंदौर में टीचर ने नर्सरी क्लास में पढ़ने वाले 3 साल के मासूम के हाथ पर कट योर हेयर लिख दिया। परिवार वालों ने स्कूल प्रबंधन से इसकी शिकायत की है। इस पर स्कूल मैनेजमेंट ने अपनी गलती मान ली है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए सीएम भूपेश बघेल का राज्य की जनता ने स्वागत किया। चिंगपाल में आयोजित दरभा ब्लॉक स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के समापन समारोह के मौके पर सीएम ने अपने संबोधन में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा में भेंट मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने जांजगीर चांपा के लोगों को कई सौगातें दी। सीएम ने स्कूल, शौचालय, सड़क, सीएचसी और खेल मैदान बनवाने की घोषणा की। मुरैना में कृषि मेला प्रदर्शनी में तैनात कर्मचारियों का लूडो खेलता हुआ वीडियो सामने आया।
आरोप यह है कि कर्मचारी कार्यक्रम में चल रहे संबोधन से उठकर लूडो खेलने में जुट गए। इस दौरान किसान खाने के पैकेट के लिए पीछे परेशान होते रहे, लेकिन कर्मचारी लूडो खेलते रहे। यूपी के रायबरेली में तमाम उपायों के बाद भी डेंगू पैर पसार रहा है। 24 घंटे में डेंगू के 6 नए मरीज मिले हैं और जिले में अब मरीजों की संख्या 101 पर पहुंच गई है। डेंगू ने जिले में अब तक पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रुद्रपुर पुलिस ने फर्जी मार्कशीट, डिग्री और सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य सरगना सहित 3 आरोपी फरार हैं। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह विश्वविद्यालयों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर युवाओं को विदेश भेजने और प्राइवेट नौकरी दिलाने का काम करता था। सरगुजा पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों ने एक महिला को फोन पर झांसे में लिया और फोन पे का प्रोसेस कराकर खाते से 2 बार में 1,00,000 रुपए निकाल लिए। चोरों के पास से 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं। उज्जैन में एक मां 15 दिन से लापता अपने बेटे को ढूंढने के लिए एसपी से गुहार लगा रही है। मां के मुताबिक उसके बेटे कनीराम को केटरिंग ठेकेदार सुरेश तिवारी 15 दिन पहले काम के लिए ग्राम सोडंग भैरवगढ़ लाया, जिसके बाद से ही बेटे की कोई खोज खबर नहीं है। पुलिस अब कार्रवाई की बात कह रही है। मध्य प्रदेश के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार चंदेरी के तमाम न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। आपराधिक, सिविल, पारिवारिक विवाद से लेकर घरेलू हिंसा अधिनियम समेत तमाम प्रकरणों का निराकरण किया गया। चितारगंज के सनातन धर्म मंदिर से बाबा खाटू श्याम की निशान यात्रा निकाली गई। भक्त सचिन श्रीवास्तव ने यात्रा की जानकारी देते हुए बताया कि निशान यात्रा सनातन धर्म मंदिर से बरा पहुंचेगी, जहां पर बाबा खाटू श्याम का जागरण होगा। आर्मी के अग्निवीर फिजिकल ट्रेनिंग के बाद रहस्यमयी तरीके से दोनों की मौत हो गई, जो परिवार सहित पुलिस प्रशासन के लिए अब तक सिर्फ एक पहेली बनकर रह गई है। इसके बाद मृत भाइयों के परिवार वालों ने सरकार से इस मामले की जांच कर दोनों बेटों को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सारंग ने कहा कि कांग्रेस बताए कि किसानों को 2,00,000 रुपए का कर्जा माफ क्यों नहीं हुआ। सारंग ने सिख विरोधी दंगों को लेकर भी नेहरू गांधी परिवार से जवाब मांगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड पुलिस ऐप के अंतर्गत सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय और संस्थानों में कार्यरत महिलाओं के लिए स्व रजिस्ट्रेशन सुविधा का शुभारंभ किया। किसी भी कार्यालय में कार्यरत महिलाएं यूके पुलिस ऐप में गौरव शक्ति से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं।